नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम बहुत ही कमाल के टॉपिक बात करेंगे कि आईटीआई पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले बीएचईएल में जॉब कैसे पाए। पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि बीएचईएल में जॉब कैसे मिलता है। तो मैं बता दूं कि जो बीएचईएल है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंटेड कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है। बीएचईएल जैसी कंपनीज में जॉब लेने के लिए सारे इंजीनियर्स का ड्रीम होता है, सपना होता है, तरसते हैं लोग। टफ लेवल का कंपटीशन होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता कि जॉब ना मिल सके, क्योंकि हम में और आप में से बंदे होते हैं जो बीएचईएल में जाते हैं सेलेक्ट होकर के और अपनी सर्विस देते हैं वहां पे। तो चलिए बात करते हैं कि बीएचईएल का पहले काम का क्या क्या करता है, इसके बारे में बीएचईएल में बात कर लेते हैं। तो बीएचईएल के बहुत सारे काम है, हम एक काम नहीं कर सकते हैं कि जैसे बीएचईएल की गैस से रिलेटेड भी काम करता है, उसके बाद ट्रांसमिशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी करता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है, गैस एंड स्टीम टर्बाइन होता है, बॉयलर्स हैं प्रोडक्ट में उसके, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स है, जनरेटर्स है, और ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनाता है, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो रेवेन्यू है वो भी तगड़ा 4.3 बिलियन का रेवेन्यू है। तो अब जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो चीजें हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूं। जॉब के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल तीनों बंदों की जॉब होती है, मतलब तीनों ब्रांचों की जॉब वहां पे होती है। तो बीएचईएल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल की जॉब के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब भी भर भर के है, मैकेनिकल्स के भी जॉब है, बट कंपेरिजन टू अदर ब्रांच थोड़ा कम निकलते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस की भी जॉब है, जो स्विच यार्ड होता है और सारी चीजें होती है वहां से पे कंप्यूटर साइंस की जॉब होती है, तो कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। बीएचईएल में जॉब लेने के लिए आपका एक तो मार्क्स सही होने चाहिए। मार्क्स सही होने के लिए आपको जो आप कोर्स कर रहे हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे वो बीटेक हो, उसमें परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। ओवरऑल आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। जो बीटेक के लेवल पे इसमें सिलेक्शन होता है वो गेट के थ्रू होता है, तो गेट क्रैक करने के बाद, अच्छा रैंक लाने के बाद गेट में, तभी पब्लिक सेक्टर में आपको एंट्री मिलती है। जीडी और फाइनल राउंड के लेवल डाल देते हैं सीधे गेट क्रैक करने के बाद। उसके बाद पॉलिटेक्निक लेवल पे अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस क्रैक करने के बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल किए जाते हो आप। आईटीआई लेवल पे भी सेम होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी इसमें काम होता है बीएचईएल और इस में, जो चाहे वो बीटेक वाले हो चाहे वो डिप्लोमा वाले हो, सबके लिए एंट्री हो जाती है। तो मतलब बहुत सारे ब्रांच को मिला करके ओवरऑल एक पैकेज है बीएचईएल और पीएसयू लेवल की कंपनी है। तो सैलरी भी अच्छी खासी होती है, सैलरी स्टार्टिंग की सैलरी ट्रेनिंग में 15,000 से 25,000 रुपए देती है, उसके बाद कंफर्मेशन होने के बाद उसमें है 35,000 से 55,000 के बीच में स्टार्टिंग की सैलरी है। तो सैलरी रेंज काफी अच्छी खासी है। तो जो लोग जाना चाहते हैं बीएचईएल में वो अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बीएचईएल जैसी कंपनियों में जॉब लेने के लिए थोड़ा टाइम वक्त जरूर लगता है। किसी का 1 अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का 2 अटेम्प्ट में, किसी का 3 अटेम्प्ट, मतलब टाइम लगता है थोड़ा सा ओवरऑल ये कह लो, क्योंकि वैकेंसीज उतनी नहीं निकल पाती हैं तो चीजें आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती है। लेकिन सुनहरा मौका है कि अपना फ्यूचर संवारने का, बीएचईएल जैसी कंपनीज में बेस्ट ऑप्शन है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर एक बार ट्राई करें बीएचईएल जैसी कंपनी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं बीएचईएल का, वहां पे आप देख भी सकते हो कि करंट ओपनिंग्स क्या है और बीएचईएल के बारे में भी और डिटेलिंग आपको वहां से मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।